the founder of Madhawk Films, the creator of many, many. Give it up for this guy, yaar. Look. थोड़ा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा. एक केबीसी चेयर काफी. दर्शकों. नमस्ते दर्शकों. And can we also invite Vicky and Sara on the stage, please? Kapil and Soumya. Kapil and Soumya. Give it up, give it up. कौन सा वाला कट गया? किस साइड से? यहाँ से भी है एंट्रेंस. अच्छा, वो वहीं से आ गए. कम माइक. हैव अ सीट. अभी अभी बैठने अभी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से बैठने की. सो आई हैव वन क्वेश्चन बिफोर यू गाइस सिट इन द कैटेगरी. गिव इट अप फॉर दीस गाइस. हाउ ब्यूटीफुल दे लुक. हेलो हेलो. स्पेशली दिनेश, हाउ ब्यूटीफुल ही लुक्स. ओह अच्छा, सॉरी. One thing that you want to define this movie as, मतलब एक answer सिर्फ movie को define करने के लिए कि कैसा था, मतलब क्या है इस movie में, जब जरा हटके जरा बचके में, मतलब क्या एक line बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक line या एक word? एक line word तो मतलब अच्छा चलो एक word. अब कुछ वैसे जकास नल्ला ऐसे नहीं. नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं. क्या बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत. वो आपको मेरी मुझे पता है. तो बताओ. अलग बात है. word, पूरा पूरा sentence. I think opposite of नल्ला. I think fully wholesome. Fully wholesome. हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सह परिवार आके थिएटर में देखना चाहिए. Correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस. विकी यू, आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने. मुझे दादा दादा सुनाई दे गया था वहां पे, मुझे पता चलता है. हाँ जी यार, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द फिल्म, आई जस्ट वांट टू से इट फील्स so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after a long time. Give it up for these guys, yeah. ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते आते ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया. तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई. कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था यार. मैं ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ, मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर्स पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ. टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन वर्ड मेरे हिसाब से व्हिच मेड मी से अ यस टू दिस फिल्म करेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस वाज ये फिल्म सह परिवार है. एब्सोल्युटली. ये मुझे परिवार की याद दिलाती है एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस फिल्म विद अ परिवार. हमने शूट की है विद द मैडॉक परिवार एंड विद अ वंडरफुल co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे. एंड इट जस्ट इज वेरी गुड टू बी बैक टू दिस परिवार ऑल्सो द मीडिया. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक यू नो हमारी बातचीत एंड ऑल. मैंने बड़ा मिस किया ये सच में. जूम में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं. ऑन दैट नोट, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर. ही इज नॉट हियर. सो आई लाइक टू टेक टू मिनट्स. दिस इज आ थर्ड फिल्म टुगेदर. ये हमारी तीसरी पिक्चर है. हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है. एंड आई थिंक सब परिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता. यू नो वी हैव डन एंड वी आर रियली रियली मिसिंग हिम. यू नो ही इज लॉस्ट हिज फादर. दैट्स द ओनली रीजन ही इज नॉट हियर. एंड व्हेन यू सी दिस फिल्म विदाउट लक्ष्मण उत्तेकर, देर इज नथिंग हटके ओनली बचके फॉर दिस फिल्म बिकॉज ही इज द वन हु हैज यू नो लिव्ड दिस फिल्म. और उनकी वो चाहते थे मिम्मी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके और उनका यही था डिमांड. सो द रीजन वी आर कमिंग इन सिनेमाज इज बिकॉज ऑफ हिम एंड वी रियली रियली मिस हिम टुडे. हैव अ सीट, हैव अ सीट. बैठे बैठे अपने कटघरों में बैठे आप बैठे. उनके साथ का क्या मतलब है? बैठिए. औरतें होती पराया. औरतें होती ही पराया है. पराया धन. क्या बोले? या अकेली इज इनफ. सी लुक एट दैट वुमन पावर राइट देयर. पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश, ये विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे. मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है. और बिफोर यू आंसर विक्की, आल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप भी थी नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद, उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं तो मैं देखो देख रहा हूँ कितना खुश हूँ. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है.
दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाव को. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ, है ना? वहां से आगे पीछे गाली. अरे दादा नीचे. दिनेश, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स? व्हाट इज बेटर? I know it's a question. Marriage. Because that is how you can get divorced. Because I'm married. Acha, acha. Sara, aap. Ji. Kya? Aap shaadishuda. Kitni shaadiyan kar rahe hain? I love Sara. Like, kya? Yeah, matlab what? Divorce ke fayde. Fayde? Ya nuksan? Phir se shaadi kar sakte ho. Thoda bahut anubhav bhi hota hai. Correct. I assume you know round 2. Round 2. Round 3, round 4? Round 12, up to you, yeah. ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में. मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ. क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं. क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जाने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जाने का पता चलता है. लगता है कि सारे के सारे पागल है जैसे हमें. देखो, क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये तो मैं ये आप बीती से बता सकता हूँ. मैं सोच समझ के जवाब दीजिएगा. हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन. तो जब एक पूरा पेंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे. तो साफ पता लग रहा था. एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है. हाँ, नहीं, बार पे सब थे. खाने की प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे. खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई. एग्जैक्टली. कई बार तो आते ही वही है ना. आती उसके लिए. हाँ, आती फूफा जी नुक्स निकालने. गोलगप्पे खत्म हो गए. और ध्यान से पानी गिर रहा सौंठ वाला. दिनेश, व्हाट इज योर टेक ऑन क्रॉस कल्चरल या सेम कल्चर, व्हिच इज मोर बेनिफिशियल? लाइक व्हिच इज बेनिफिशियल, कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा अगर एक ही कल्चर में शादी. पंजाबी सिंधी. क्रॉस कल्चरल ना, दो टाइप का खाना मिलता है. हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार. बातें खाने पे ही आ जाती हैं. या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए. सारा, क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं, याद है. क्या फायदा है? फायदे या नुकसान? लेकिन इन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए. मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग 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 क्षेत्रों के. इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट फूड. देखो, बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल. आप खाना बनाती हैं? सारा, खाती बहुत हूँ. जवाब मिल गया. हाँ जी. विकी, आप बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं. ये अच्छा आदमी है. नहीं आता सच. दिनेश, आप बनाते खाना? बढ़िया बढ़िया. क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी. मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार. चाय बना सकता हूँ मैं. अरे मान गया. अच्छा, शादी के बाद ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते. तो हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस. क्या क्या स्टिंजी? स्टिंजी, माइजर. जस्ट इन केस, गिव मी एन एग्जांपल. डू यू थिंक यू आर स्टिंजी इन रियल लाइफ, विकी? थोड़ा सा तो हूँ यार. गिव मी एन एग्जांपल. जैसे सूप 2x3 1x2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप वो कटरीना बैठे होगे, एक 1x2 वेटर भी कहता है गरीब. नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में. हाँ. तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा. हाँ. इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते राजमा. पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है. जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहां. हाँ. पे कि हम बार लगाए हॉल. हाँ. में तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ. वो जितने का बार था मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा. ना ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा. ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई. देख रहे हो, देख रहे हो, इतना पैसा आने ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार. ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो. आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए. कितने पैसे गए इसके लिए? मैं कर नहीं, ये हम इतने की. कभी सेल पे जाते हो? सेल, सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया? फिर मैं जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ. मैं बहुत भी चीप हूँ. मैं सारा की एक कहानी सुनाऊ, ये सच में है. हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में. लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी
मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल था होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद पूछ लिया क्या हो गया, मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये अपनी माँ को, 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते। वहाँ दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, 600 तौलिया गई कहाँ? खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है। बट कहाँ, आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल व्हाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ। वो लोग पीते हैं? नहीं पीते हैं, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस। विकी कभी उठाया है होटल से कुछ? सच बताना, गाउन्स फ्रॉम टॉयलेटरीज, दो स्मॉल स्मॉल वन, शैम्पू, कंडीशनर। आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के, वो साबुन भी नहीं देते, जलीले मिलते हैं। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने, एयरक्राफ्ट से। वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो मुझे बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं क्योंकि काजू बेचने हैं। काजू उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहे हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मंडरे से पहले। जलील है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हूँ मिडिल क्लास है। मैं नहीं दिखता आपको? आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज, दिख रहा है मुझे। हाँ, तो कितनी मिडिल क्लास लग रही है, गिव इट अप सारा ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज। ये कोशिश है, आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी झूठी, इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते, हम हमारी पिक्चर बेच रहे तुम्हें तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए। ये सच, 600 तौलिया और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत, नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीर शक्ल का कुछ नहीं कर सकते, मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारे हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है, तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल। हां वो देख रहा 1600 रुपए का, अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आप वो प्रॉब्लम है नहीं, आप काफी हैंडसम है, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा, लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है, मतलब मिडिल क्लास